अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं जा रहा हूँ, जो मैंने गाड़ी YouTube मनी से ली है, आपको उसका रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि मैंने कितने की खरीदी और इतना पैसा मैंने आखिरकार YouTube से कमाया कैसे। आप लोग भी कमा सकते हैं, आप लोग भी इतना पैसा कमा सकते हैं, रातों रात अमीर बन सकते हैं, इतने अमीर बन सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। घर भी बनाएं, गाड़ियाँ भी लें, ठीक है, पैसा ही पैसा, यूट्यूब जितने मर्जी बैंक अकाउंट खुलवाएं, माल ही माल, अय्याशी जो मर्ज़ी करें, जहाँ मर्ज़ी आएँ जाएँ, यही नहीं सोचेंगे कि पैसा कमाना आखिर कहाँ से है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। दुनिया आपकी तरफ देखेगी हसरत से, इतना पैसा, इतना अमीर इंसान हो गया, सारा पैसा यूट्यूब देता है, इस दुनिया में और कोई पैसा दे ही नहीं सकता, इतना पैसा आप कभी ज़िंदगी में कमा ही नहीं सकते, समझ रहे हो। अभी मैं सुबह सुबह उठाऊँ, कोई 7:45 का टाइम, इस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आधा नींद में हूँ, क्योंकि ऐसी बातें इंसान अक्सर नींद में ही बोल देता है, सारे सच हमेशा इंसान नींद में बोलता है। मैं अरे उठाया तो इन्ने टाइम तो कभी मैं डॉक्टर को भी जाना होना टीका लगवा ता भी नहीं उठाया है, मैंने सारी रात नींद नहीं आई। तो वो मैकेनिक से बात की है, वो चाबी उसने लगाई रखी है, छोटे बच्चे ने वो गाड़ी के अंदर लगा के ना ऐसे चाबी, तो वो उसके ना थोड़ा सा किड़किड़ की ना आवाज़ आने लग गई, तो वो आवाज़ आती है मेरे दिल चो, आवाज़ कितों आती है मेरे दिल चो। मैं सवेरे उठा, मेरे को नाश्ता नहीं होया, मेरे को यकीन करो मैं बुरकी मेरी सड़गी तो संघी के बच्चे वड़ गई अड़ गई, मैं इंजन गाड़ के थले की, मैं कहा नहीं मैं गरीब हूँ, तुसी यूट्यूब तो पैसे कमाओ। मैं तो वैसे लड़कियों को बोलता था कि यार कि अमीर बॉयफ्रेंड फंसाओ ताकि तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो ना, सही है, सिक्योर हो जाए। वो मैंने वीडियो देखी उसमें, वो कहता है कि आप ये ऑनलाइन पैसे कमाओ, यही बात तुम लोगों को मैं कहता हूँ। मैं भी अमीर, मैं भी बहुत गरीब था, मैं बहुत गरीब था। मैं YouTube पे आया, 10 दिन के अंदर मैंने इतना पैसा कमाया कि मैंने गाड़ी ले ली। आपको गाड़ी दिखाता हूँ और फिर आपको आगे सारी बातें भी बताता हूँ, ये क्या चक्कर होता है, इसकी हकीकत क्या है, और TikTok से कितने पैसे इंसान कमाता है वो भी आपको बताता हूँ, Instagram से कितने कमाता है वो भी आपको बताता हूँ। आज मैं आपको सारा तोलो तोलो छोलो छोल करके हर चीज़ क्लियर कट बताऊँगा, तो गाड़ी का साथ में काम भी कराऊँगा, तो फिर आइयो फिर तुम दस रहा। ये मिट्टी पड़ी है लेकिन ये मेरा साफ करने को दिल नहीं कर रहा, एक दिन ठीक करवा लेना। अभी ये मैं गाड़ी में आ गया हूँ और मसला तो इसका कोई नहीं, ऐसे मुझे बोला भी, ऐसे कहा शाह साहब बाद में काम करवा लेना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो सारी रात आप सुता रहा, मैं कहा नहीं 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 आज ही ऐसे टाइम होने ही करेगा, तो होने ही आ रात नहीं आ। ओ मुझे कहे भाई मुझे छोड़े दो, मैं कहा नहीं होने ही, मैं कहा सो जाएगा ना ठीक, कहता मैं आपको खुद बता देता हूँ, आप घर में ठीक कर लो, हो जाएगा, आप खुद भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस बच्चे की गलती की वजह से थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई। मैं कहा तू होने ही कर, तू नहीं करेगा, तेरी ऐसी तैसी तू ना करें। तो अभी ये बात है कि अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ, और बाकी देखो यार आप लोग भी पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है यूट्यूब इतने पैसे आपको देगा, ऑनलाइन टिकटॉक टिकटॉक तो उससे भी ज़्यादा देता है ना पैसे, आप रात को सो गए सुबह उठ के आपका बैंक फुल डॉलर ही डॉलर, वो आपको बैंक वाले कहेंगे फट जाएंगे, हम लोग आके अपने पैसे निकाल लो। अबे जल्दी बोल, देखा नहीं है कितने लोग हैं जिनके पास कोई, तो किसी पीछे कारणों से गुजरना, देखा नहीं है वो लोग जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, सारे आके नाचते हैं, ओए होए नाच नाच के उन्होंने इतना का पैसा कमा लिया, तुम लोगों की सोच खत्म हो जाए जितना उन्होंने पैसा कमाया, तुम लोग कहाँ पे फिर रहे हो। देखो ऐसी ये एक वो है, ये तो ऐसी तो 10 में ले लूं, ऐसी बातें आप लोग सुनना चाहते हो ना, असल में बात ये है तुम लोगों का दिमाग हिला हुआ है, ऐसी बातें जो तुम लोगों को सुनाता है वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है, आप भी कमा सकते हो। प्यारी समझ गई। देखो यार बात ऐसे है कि मैंने टिकटॉक से खुदा की कसम एक रुपया भी नहीं कमाया, डरा ही देता ही मरे जाना ही चल कर दे बंद, मैंने टिकटॉक से एक रुपया भी नहीं कमाया, और जो बंदा कहता है ना कि मैं टिकटॉक से मैंने बड़े पैसे कमाए वो बंदा बोलता है झूठ, उसके मुंह पे चंडे मारो, क्योंकि टिकटॉक पे ही नहीं करता कोई बंदा, आप गूगल कर लो, टिकटॉक पे नहीं करता, किसी को भी नहीं पे करता, वो उसका वो नदीम नानी वाले का इंटरव्यू में देख रहा था, उसको भी किसी ने बोला आपने बहुत पैसा कमाया टिकटॉक से, कुछ भी नहीं कमाया भाई, किसी एक बंदे ने उजाड़ा जरूर है टिकटॉक पे, हर बंदे ने आगे उजाड़ा जरूर है, ठीक है। टिकटॉक के लिए अगर आपके पास कोई सैमसंग का अच्छा फ़ोन है तो आपको आईफोन लेना पड़ता है, बड़े नखरे होते हैं। उसके बाद ये यूट्यूब, ये मैं तो यार कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ और मैं ऑलरेडी फेमस था, लेकिन कॉन्टेंट क्रिएटर की ना कोई वैल्यू नहीं है,
पहले पहले वीडियोस में इतने अच्छे व्यूज गए मेरा, मुझे आप लोगों ने चंद दिनों में इतना उठाया, उसके बाद जब आपको सारी चीजों की समझ आनी शुरू होगी तो कंटेंट क्रिएटर की वहाँ वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर इसकी निस्बत यहाँ पे मैं डांस करता, यहाँ नाच गाना करता, जहाँ पे आप ले देख के हाई, आप लोगों को यार नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज वो जिस इंसान से आधा नॉलेज मिल जाए ना, इंसान कहता है आधा मैं अकलमंद खुद हूँ, ये चीज़ होती है। बाकी कोई नहीं यार, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, मैंने इंशाल्लाह वीडियोस बनानी वैसे ही बंद कर देनी है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं तो तुम लोगों के लिए मैंने कहा यार चलो, वैसे मैं इधर बिल्कुल देखे ना अकेला, मैंने कहा चलो यार खैर है, सारे मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, इनको ट्रिक्स देता हूँ। लेकिन जब एक इंसान का मसला हल होना शुरू हो जाए ना, तब वो कहता है बस ठीक है, मैं तो पता चल गया जो चलना था सही है ना, कोई बात नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये गाइस मैं अंदर आ गया हूँ, अभी इसको खोलेंगे, इसके अंदर से जो भी बदलना है उसको बदलेंगे। अब फिर ये जब काम हो जाएगा फिर मैं सुकून से घर जाके नींद सोऊंगा। ऑनलाइन कमाई की गाड़ी है ना, उसकी परवाह नहीं, इस वजह से मुझे नींद नहीं आई। भाई दस देते खिलार दे हाँ। और यार जो लोग तुम लोगों को ये कहते हैं ना ऑनलाइन पैसे कमा लेते हैं, बिजनेस हो जाता है, ये हो जाता है, वो सब झूठ होता है। ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करो इतने पैसे कमाओ, सब फेक होता है यार, उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, वो सिर्फ इस तरह की हरकतें करते हैं क्लिक बेट व्यूज लेने के लिए। और अब मैं आपको ना मजे की बात बताता हूँ, जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं ना बहुत ज़्यादा लाखों में करोड़ों में, वो करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अमेज़न पे काम करते हैं, ईबे पे, अलीबाबा पे काम करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, वो भी इट्स काइंड ऑफ बिजनेस। वो एक ऑफलाइन बिजनेस होता है जो हम ऑनलाइन स्टोर, जैसे एक ऑफलाइन स्टोर है ना, जैसे हमने अपनी दुकान डाली हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक ऑफलाइन स्टोर होता है वहाँ पर भी हम चीज़ें भेजें, वो बिजनेस होता है, उसमें पैसा है। ऑनलाइन क्या काम करो और पैसे कमाओ, कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट तो 2 साल का बच्चा भी कर लेगा आजकल के दौर में, समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं? क्यों यार इतना बेवकूफ बनते हैं, यूट्यूब की कमाई से मैं गरीब हूँ। तो अभी इसका काम शाम करवा लें, तो फिर आपको गाड़ी का एक गेड़ा करवाता हूँ मैं, ठीक है। ओहो टूटी ना जी, सॉरी सॉरी सॉरी। आगे जो कर लो ये भी चेक करने लगे हैं। अब आप स्टार्ट करोगे अपनी होगा, देखना अपनी होगा, अपनी ना होगा ये, अगर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट करोगे ये गाड़ी स्लिप करेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आखिरकार यूट्यूब की कमाई की गाड़ी है। अब मैं स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे करने लगा हूँ, थोड़ी सी की अभी स्लिप हुई है, बस ओके हो गया। बाकी भरावा टक्कर ना मरवा दी। तो गाइस अभी इसका काम हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है यार, कोई शेयर खा लिया यूट्यूब की कमाई दी, कोई शेयर खा लिया। KFC McDonald's में मम्मी डैडी और मम्मी डैडी बच्चे की खुराक नहीं आए थे। तो यार आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, आपको पता लग तो गया होगा कि इतने को पैसे बंदा कमा लेता है YouTube से या TikTok से या Instagram से, पैसे सिर्फ बिजनेस में है, चाहे वो ऑनलाइन कर लो चाहे वो ऑफलाइन कर लो, मैच्योर हो जाइए, सब व्यूज़ लेने के चक्करों में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे कंटेंट जो है वो मैं बेहतर करूँ, पहले से ज़्यादा व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, फिर एकदम से व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो बाकी ठीक है, फिर ऐसी वीडियोज़ भी कम ही आएंगी अगर व्यूज़ कम आएंगे तो।